का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हमारे पीपल टू पीपल टाइज है। भारतीय मूल के 40 लाख से भी ज्यादा लोग आज अमेरिका की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आज सुबह व्हाइट हाउस में इतनी बड़ी संख्या में भारतीय लोगों की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि इंडियन अमेरिकन्स हमारे संबंधों की असली ताकत है। इन संबंधों को और गहरा करने के लिए हम अमेरिका द्वारा बेंगलुरु और अहमदाबाद में कॉन्सुलेट्स खोलने के निर्णय का स्वागत करते हैं। उसी तरह सिएटल में भारत का नया कॉन्सुलेट खोलेंगे। फ्रेंड्स, आज की बैठक में हमने कई क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। इंडो पैसिफिक में शांति और सुरक्षा, यह हमारी साझा प्राथमिकता है। हम एकमत है कि इस क्षेत्र का विकास और सफलता पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। हमने क्वाड पार्टनरशिप के साथ मिलकर इस क्षेत्र के सभी देशों के साथ अपना समन्वय बढ़ाने पर विचार साझा किए। आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। हम सहमत हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है। कोविड महामारी और यूक्रेन संघर्ष से ग्लोबल साउथ के देश विशेष रूप से पीड़ित हुए हैं। हमारा मत है कि इन समस्याओं के समाधान के लिए सभी देशों का एकजुट होना अनिवार्य है। यूक्रेन के घटनाक्रम के शुरुआत से ही भारत ने डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से इस विवाद को सुलझाने पर जोर दिया है। हम शांति की बहाली के लिए हर संभव योगदान देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। भारत की G20 की अध्यक्षता में हम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, उस पर बल दे रहे हैं। ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आवाज दे रहे हैं। मैं राष्ट्रपति बाइडेन का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अफ्रीका को G20 का पूर्ण सदस्य बनाने के मेरे प्रस्ताव पर समर्थन जताया है। फ्रेंड्स, हमारे सभी साझे प्रयासों का मूल मंत्र है लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों तथा व्यवस्थाओं को सशक्त करना। विश्व के दो सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और अमेरिका मिलकर विश्व शांति, स्थिरता, समृद्धि में महत्वपूर्ण सहयोग दे सकते हैं। मुझे विश्वास है कि इन मूल्यों के आधार पर हम दोनों देशों के लोगों की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा कर सकेंगे। राष्ट्रपति बाइडेन, आज की उपयोगी चर्चा के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इस वर्ष G20 समिट के दौरान आपका भारत में स्वागत करने के लिए भारत और मैं स्वयं भी बहुत ही उत्सुक है। और जैसा राष्ट्रपति जी ने कहा, हम लोगों को मुझे जाना है बाद में कांग्रेस को एड्रेस करने के लिए, और इसलिए ज्यादा अधिक समय न लेते हुए मैं मेरी बात को विराम देता हूं। मैं फिर एक बार राष्ट्रपति का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। Well, the Congress is actually waiting to, and anxiously waiting to hear you. I'm told there are two questioners, Sabrina from the Wall Street Journal and Kumar from the Trust of India. And Sabrina, you first. Thank you, Mr. President. I have a question for the Prime Minister, but first a two-part question for you.
Your comments at a fundraiser this week appear to be the first time in recent memory that a sitting U.S. president has called a Chinese leader a dictator. Did those comments about President Xi undermine or complicate the progress your administration has made in maintaining a relationship with China? And secondly, on India, as you raise these broader